हम शुद्ध उच्चारण करें। मनिवरन हरिहरा दे एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयन्तवितोषमेति किं वीक्षिते निभवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरिति नाथे भवान्तरेऽपि। अब शुरू करते हैं शब्दार्थ। मन्ने वरन हरिहरादे एव दृष्टा। मन्ने मैं मानता हूँ कि वरन यह अच्छा हुआ। हरिहरादे विष्णु और महादेव आदि लौकिक देव। एव ही दृष्टा हमारे द्वारा देखे गए। दृष्टेषु येषु हृदयं तवितोषमेति। दृष्टेषु येषु जिनके देख लेने पर हृदयं हमारा मन तव्य आप में तोषमेति संतोष को प्राप्त होता है। किं वीक्षितेन भविता भुवि येन नान्या। किं क्या वीक्षितेन देख लेने से भवता आपको भुवि भूमंडल में येन जिससे नान्यः अन्य कोई। कश्चिन् मनो हरति नाथे भावान्तरेऽपि। कश्चिन् मनो कोई दूसरा देव मन को ना हरती नहीं हरण कर सकता। नाथ स्वामिन भावांतरेऽपि जन्म जन्मांतर में भी। अब चलते हैं अर्थ एवं भावार्थ की ओर। हे नाथ संसार में आप ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं। आपके दर्शन से चित्त को इतना संतोष होता है कि वह मरने के बाद भी किसी दूसरे देव के दर्शन नहीं करना चाहता। हरिहर आदि देव रागी देशी हैं, उनके दर्शन से चित संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वे आप जैसे देवों के दर्शनों की इच्छा रखता है। हरिहरादिक देवों को देखना अच्छा है, क्योंकि वे राग देश एवं विषय कषायों से ओतप्रोत हैं। उनके अवलोकन से चित संतुष्ट नहीं होता, मन को शांति नहीं मिलती, तब आपके दर्शन को मन स्वभावतः ललायित होता है, क्योंकि आप वीतराग सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हैं। आपके दर्शन से चित्त इतना अधिक संतुष्ट होता है कि वह मृत्यु के उपरांत जन्म जन्मांतरों में भी दूसरे तथा कथित लौकिक देवों का दर्शन नहीं करना चाहता।